वेलकम टू आवर चैनल एनसीआरटी कैम्प इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्व फ्लैमिंगो बुक से सी बी एस का चैप्टर फोर कवर करने वाले हैं जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है बाय जॉन किड्स जिसमें कि बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स को डील करेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे उसके साथ साथ और कुछ एडेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हम बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए इन टेलीग्राम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं सो हमारा जो फर्स्ट सीन पैसेज जो आया था 2019 के सेट टू में जो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक सीन पैसेज दिया हुआ है हमारी है दी हुई तो तो हम पढ़ते हैं इसको पहले बट विल की बोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग तो, तो इसमें से सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आई थी कि ये था कि नेम द पोएम एंड इट्स पोएट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा जो आप ये इसमें तो सिर्फ फ्लैमिंग बुक में सिर्फ दो ही पोएम है और क्लास ट्वेल्थ के सिर्फ दो ही पोएम आपको कवर करनी है तो इसमें आप ये करें कि हमेशा जो पोएट है उसका जो नाम आपको याद करके ही जाना है एग्जाम में और नेम ऑफ द पोएम तो आपको पता ही होगा तो इसीलिए जो इसकी पोएम का जो नेम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट का नाम है जॉन किड्स तो आपको ये हमेशा याद करके जाना क्योंकि ये आपको एक मार्क्स दिला सकता है एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में हाउ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय रिमेन्सॉयर सो यहाँ पे पूछा है कि ब्यूटी कैसे हमारे लिए जॉय है तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल नेवर टर्न्स इनटू नथिंगनेस मतलब कि इसका मतलब ये है कि जॉय हमारे लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है एक सोर्स ऑफ जॉय है जो कि कांस्टेंट है ना ही वो घट रही है क्योंकि वो घट तो नहीं रही है और ना ही वो ढल रही है ठीक है क्योंकि वो ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग वो सिर्फ बढ़ी रही है इंक्रीज ही हो रही है और वो कभी भी टर्न्स इनटू नथिंगनेस में नहीं हो रही मतलब नथिंगनेस मतलब कि जिस चीज की कोई वैल्यू ना हो तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो रही वो हमेशा इंक्रीज ही हो रही है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है वाइज ठीक है तो आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा तो आप समरी भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं जिसमें सेंट्रल डिस्कस किया हुआ है और प्लस मैंने एक वीडियो बनाई है स्टैंडा वाइज एक्सप्लेनेशन की उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी अच्छा तो आइए हम अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें जो सी नंबर क्वेश्चन आया था इसी सेट में अ

Beauty, मतलब ये जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये क्या है हमारे लिए एक सोर्स है क्या है कॉन्स्टेंट है जो कि कॉन्स्टेंट है मतलब एंडलेस है eternal का मतलब होता है eternal का मतलब होता है एंडलेस ठीक है तो या तो आप कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं या तो आप इटर्नल भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है हमारे लिए एक एंडलेस जॉय का हमारे लिए सोर्स है जो कि हमेशा क्या हो रही है इंक्रीज ही हो रही है और इसकी ये बहुत ही वैल्यूएबल है हमेशा क्या हो रही है रिमेंस वैल्यूएबल रह रही है और ये क्या हो रही है कभी नथिंगनेस में ट्रांसफर नहीं हो रही है मतलब घट नहीं जा रही एकदम ही खत्म नहीं हो रही है ठीक है सो हाउ डस द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डस द बाउअर हेल्प अस इन आवर लाइफ गिव टू एग्जांपल्स ठीक है सो so, ये बाउअर जो हमने बोला था इसका मीनिंग ये होता है कि अ प्लीजंट प्लेस ठीक है जहां पे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ से इस पोयम में हमने देखा था कि एक ट्री है एक जो कि हमारे लिए एक शेड का काम कर रही है जहां पे हम रिलैक्स फील कर सकते हैं ठीक है तो ये बावर जो प्रोवाइड कर रही है वो क्या प्रोवाइड कर रही है हमें क्या हेल्प कर रही है हमारे लाइफ में अस अ पीसफुल एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स तो दो एग्जाम्पल देने बोले हैं तो हम इसमें एग्जाम्पल ये दे रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है कि वो हमें क्या कर रही है एक पीसफुल ठीक है एक एक शांति पीसफुल जगह प्रोवाइड प्रोवाइड कर कर रही रही है 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 दूसरा ये है कि वो हमें ऐसा नींद जो कि फुल ऑफ ड्रीम्स है जो कि हेल्दी है, है और क्वाइट ब्रीथिंग है जिसमें कि हम खुली सांस भी ले पा रहे हैं और जिसमें हम बहुत ज्यादा हेल्दी फील भी कर सकते हैं जिस क्योंकि अगर हम अच्छे से सांस लेंगे या फिर हम अच्छे से सोएंगे तभी हम ना हेल्दी फील करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम इसी में देख सकते हैं तो यही इसमें से आप कोई भी दो पॉइंट्स लिख सकते हैं या तो आप ये लिख दीजिए और अगर आप हेल्थ हेल्थ लिखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह हेल्थ की जगह ठीक है तो ये रहा हमारा सेट टू टू थाउजेंड नाइनटीन में जो आया था ठीक है अब हम 2019 में ही आया हुआ सेट थ्री का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि पैराग्राफ uh, इसका स्टैंडा है तो हम उसको पढ़ लेते हैं पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय अवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इन टू नथिंग बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग तो ये दोनों ही सेम पैराग्राफ से ही आया है ठीक है तो फिर भी मैंने आपके लिए रीड कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था कि विच टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी आर मेंशन हेयर सो कौन सी दो क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी यहाँ पे मेंशन की है तो सबसे पहला क्वालिटी क्या है कि इट इज अ कॉन्स्टेंट एंड एवर सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर ठीक है सो ये क्या है एक कॉन्स्टेंट सोर्स है और एवर लास्टिंग की जगह आप यहाँ पे एंडलेस भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे लिए क्या है एक कॉन्स्टेंट सोर्स है और एक एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर है ठीक है और दूसरा क्या है point इसमें कि time can't fade its beauty. समय के साथ ये ढलती नहीं है इसकी ब्यूटी और ना ही ये खत्म होती है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद टाइम और इसकी जो ब्यूटी है लवलीनेस जो है इसकी सुंदरता क्या है तो समय के साथ सिर्फ बढ़ती ही है तो ये दो क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी हमारी इस stanza पे mention की हुई है ट्रबल माइंड जो माइंड बहुत बहुत सारी टेंशन से भरा हो जब आपको बहुत मुसीबत हो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप बहुत ज्यादा मुसीबत में है या ट्रबल में है ठीक है तो उस माइंड को वो कैसे काम करेगी शांत कैसे करेगी नेचर इट गिव्स अस पीस ज द मीनिंग ऑफ ट्रेंक्यूलिटी ट्रेंक्यूलिटी का मतलब होता है शांति मतलब पीस ठीक है तो ये हमें क्या देती है पीस देती, देती है और हमारे रिलैक्स करती है किसको हमारे माइंड को नेचर ठीक है थर्ड क्वेश्चन ये है कि हा वट डज द वर्ड बोअर मीन्स सो हमने फर्स्ट में भी देखा कि ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था का मतलब बोआ कैसे हमें हेल्प करता है वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा है तो इसका यहाँ पे पूछा है मीनिंग क्या है और वहां पे पूछा था कैसे वो हेल्प करता है तो नियर अबाउट उसके आंसर थोड़ी बहुत सेम ही होंगे बट हमने यहाँ पे जो आंसर प्रोवाइड किया है वो है कि अ बोवा इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर द ट्री इट प्रोटेक्ट पर्सन और एनिमल्स फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन तो बोवा क्या है हमारे लिए एक प्लीजेंट प्लेस है इन द शेड अंडर द ट्री ठीक है ट्री के अंडर जो हमें शेड मिल रही है उसके अंदर जो हमें एक एक प्लीजेंट प्लेस मिल रहा है वो एक हमारे लिए बोवर है और वो हमें क्या कर रही है वो क्या कर रही है को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हॉट रेज क्योंकि वो उनको शेड प्रोवाइड कर रही है ना तो वो क्या कर रही है सूर्य की जो हॉट रेज है उससे उनको बचा रही है ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ब्यूटी लीड टू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स So, अब यहां पे पूछा है कि ब्यूटी कैसे एक हमें एक sleep provide कर रही है है जो कि sweet dreams से भरा हुआ है. तो ब्यूटी क्या करती है हमारे लिए नेचर की जो ब्यूटी है वो क्या कर रही है हमें एक साउंड स्लीप प्रोवाइड कर रही है जो कि क्या कर रहा है हमारे माइंड को रिलैक्स कर रहा है और हमें शांति दे रहा है मतलब हमारे दिमाग को शांत कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि ताकि जो हमारा हेल्थ है वो अच्छा हो जाए गुड हेल्थ हमें प्रोवाइड हो और हम खुश हो हैप्पीनेस हमें प्रोवाइड हो तो ये इंश्योर भी कर रहा है ठीक है कि ये चीजें हमारी लाइफ में अच्छी भी हो जाए हम खुश भी हो और प्लस हमारा हेल्थ भी ठीक हो जाए क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज्यादा अच्छे से रेस्ट करेंगे अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा कि हम अच्छे से फिर वर्कआउट कर पाएंगे नेक्स्ट डे ठीक है तो पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है कोई भी काम को करने के लिए चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो ठीक है अब यहाँ पे हम 2018 में ही इस पोयम से आई थी क्वेश्चन तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलो ठीक है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी हुई है आपकी ये कि एन क्लियर रील्स दैट कूलिंग कन्वर्ट मेक हॉट सीजन फॉरेस्ट ब्रेक रिच स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन uh, पूछा गया है कि आईडेंटिफाई द पोयम एंड द पोएट तो जो कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है तो पोएम का नाम क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट का नाम हमें पता है जॉन कीट्स ठीक है सो व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लियर रिल्स तो यहाँ पे पूछा है जो क्लियर रिल्स है उनका रोल क्या है रिल्स मतलब जो स्मॉल स्ट्रीम्स है छोटी जो सरिताएं होती है उनका जो साफ-सुथरी जो सरिताएं होती है उनका रोल क्या है द रील्स और द स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर मेक्स अ कूलिंग शेल्टर फॉर देमसेल्फ अगेंस्ट द हॉट सीजन तो उनका रोल ये होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो वो खुद के लिए ही क्या करते हैं हॉट सीजन से बचने के लिए एक कूलिंग शेल्टर बनाते हैं जिससे कि वो उनको वो गर्म फील ना हो जो आसपास में जो पेड़ पौधे हैं या जो जानवर है उनके लिए वो एक कवर टाइप का एक शेल्टर टाइप का बनाती है कूलिंग शेल्टर जिसमें कि वो उन हॉट सीजन से अगेंस्ट में अपने आप को बचा सके ठीक है Now the the next question is how has the mid forest forest break break becomes rich? कैसे, वो जो है, वो कैसे? तो जो का मतलब है जो of funds, वो कैसे हो, रही है? मतलब मतलब कैसे हो जा रही है तो कैसे हो जा रही है द mid फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच by ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटिफुल मस्क रोजेस बहुत सारे मस्क रोजेस खिलने की वजह से क्या हो जा रही है कि वो रिच हो जा रही है जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है वो क्या हो जा रही है रिच हो जा रही है ठीक है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन कूलिंग कन्वर्ट अब बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमारे इस पोएम में यूज हुए हैं ठीक है ठीके? तो उसमें से ही यहाँ पे एक पूछा है कि कूलिंग कन्वर्ट एक वर्ड आ रही है इस स्टैंडा में तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है और इमेजरी, ठीक है अब एलिट्रेशन होता क्या है एलिट्रेशन बेसिकली होता है कि जो कि रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड जब कोई सिमिलर मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर हो या फिर सिमिलर साउंड आ रहा हो ठीक है और बिगिनिंग uh, जो उनकी वर्ड की हो वो सेम लेटर से ही हो रही हो या सेम साउंड तो तब क्या होती है एलिट्रेशन आती है फिगर ऑफ स्पीच जो एलिट्रेशन आ रही है और इमेजरी ये है क्योंकि जो कूलिंग कन्वर्ट है वो किसी और को दर्शा रही है किस किसको दर्शा रही है मतलब ये किसके लिए यूज हुआ है कूलिंग कन्वर्ट ये हमारे रील्स के लिए यूज हुआ है मतलब जो स्मॉल स्ट्रीम्स है वो क्या कर रही है खुद में ही एक क्या कर रही है कूलिंग कन्वर्ट बना रही है, एक शेल्टर टाइप बना रही है ठीक है 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 तो इसलिए इमेजरी यहाँ पे यूज यूज हुआ हुआ और इलेक्ट्रेशन क्यों यूज हुआ है ये मैंने बता दिया है क्योंकि जो कूलिंग कन्वर्ट है जैसे कि देखो यहाँ पे सी कू और फिर लिंग हो रहा है फिर कन्वर्ट सो so, सी सी इज रिपीटिंग रिपीट हो रहा है यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पे सी और सी फिर से दोनों ही वर्ड में सी रिपीट हो रहा है तो इसलिए एलिट्रेशन आ रहा इमेजरी क्यों आ रहा है ये भी मैंने बता दिया आपको ठीक है अब हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेते हैं यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मुझे तो मैंने आपको फॉर योर एग्जाम तो हम वो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले फर्स्ट है यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेन्शेंड इन द पोयम ठीक है तो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है कि आप लिस्ट बनाओ जो चीजें आपको मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी लग रही है पोयम में तो एवरी थिंग ऑफ द चीजें हमारी नेचर में है वो क्या है हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है और एक सोर्स ऑफ प्लेजर है इससे हमें अच्छा महसूस मतलब हम एक जॉय एक खुशी महसूस होती है सम ऑफ देम आर सन मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज ठीक है जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो क्या है एक सोर्स ऑफ प्लेजर है हमारे लिए ठीक है और एक डेफोडल फ्लावर्स होती है डेफोडल फ्लावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है तो डेफोडल फ्लावर्स होती है एक तरह की फ्लावर होती है स्मॉल स्ट्रीम्स जो कि नहरें हैं हमारी क्लियर वाटर से जो भरी हुई है मास ऑफ फंस मतलब जो कि ब्रेक है ठीक है ब्लूमिंग ऑफ मस्क रोजेस ये सारी ही चीजें क्या है एक थिंग ऑफ ब्यूटी है ये सारी चीजें मिलके क्या बन रही है थिंग ऑफ ब्यूटी बन रही है जो कि नेचर की सोर्स को मतलब आ, जो सोर्स ऑफ प्लेजर को हमारे आंखों के सामने ला रही है प्रेजेंट कर रही है ऑल ऑफ देम आर दिंग ऑफ ब्यूटी और सारी ही चीजें क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन ऐसी चीजों का लिस्ट करो जो की हमें सफरिंग दे रही है या पेन दे रही है तो मैनी ऑफ द थिंग्स कॉज एस सफरिंग एंड पेन तो सबसे पहले है यहाँ पे है हमारे मैलाइस हैं ठीक है hatred. Hatred बोल सकते, और डिसअपॉइंटमेंट जैसे कि हमें आ, सोचो कि हमने सोचा कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए थे बट हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ठीक है तो डिसअपॉइंटमेंट और जो ये दोनों चीजें क्या है हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग है अनदर वन इज लैक ऑफ नॉबल क्वालिटीज जो नॉबल क्वालिटीज मतलब एक इंसान को मतलब बनाते हैं कि नहीं आप में ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप थोड़ा शांत स्वभाव के हो फिर आप ज्यादा टेंशन ना करो फिर ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा टेंशन ना करो ज्यादा चीजें ना सोचो जो चीजें होनी चाहिए पेशेंस होनी चाहिए तो वो नोबल क्वालिटीज आप में होनी चाहिए ताकि क्या हो कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको ठीक है अच्छे से सस्टेन कर सको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी अपकमिंग लाइफ में तो एक नॉबल क्वालिटीज जो कि हमने अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी डिस्कस की है तो इन सब चीजों में तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत टाइम ऐसे भी देखा जाता है कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम खुद ही क्या करते हैं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं

हॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ ठीक है सो पॉल मीन्स क्या होता है कवरिंग तो ये क्या करती है हमारे स्पिरिट को क्या करती है बोलने से एक तरह से आ, मतलब हर्ट करती है कहीं ना कहीं ये चीजें हमें हर्ट करती है बट हमारे लिए जो नेचर है लाइक अ कवर काम करती है और वो हमारे लाइफ से सारे इस सैडनेस को रिमूव कर देती है ये नेचर ठीक है

में जो बात हुई है मेनली हमारे पूर्वजों के बारे में बात हुई है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या चीजें की थी उनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे देयर अचीवमेंट मेड देम माइटी और उनके अचीवमेंट ही उन्होंने उनको पावरफुल बनाया था माइटी बनाया था एंड ग्रेट मतलब उनको ग्रेट पीपल्स के नाम से अभी भी हम जानते जैसे महात्मा गांधी हो गए उनको हम क्यों जानते हैं क्योंकि उन, उनके, उनके काम की वजह से हम उन्हें जानते हैं ठीक है ठीके? देर नोबल वर्क डेजल आवर आईज उनके जो नोबल वर्क है उनके जो काम है उनके जो विचार है वो क्या करती है हमारे आंखों को भर देती है मतलब चमका देती है मतलब इन द सेंस ऑफ ब्राइट लाइट मतलब हमें खुश कर देती है या फिर हम हमें मोटिवेटेड फील कराती है कि हमें भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से हमें भी लोग जाने वी इमेजिन दैट सच माइ टी डेट फोर फादर्स विल अटेंड More grandeur on the Domes Day और हम ऐसा सोचते हैं कि डोम्स डे के दिन डोम्स डे एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कयामत का दिन क्रिस्टनिटी में इस चीज को बिलीव करते हैं डोम्स डे में तो बोलते हैं कि सबके जो अच्छा बुरा जो भी कुछ किया है उन सब का विचार होता है उस दिन बोलते हैं कि अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो उसके लिए आपको प्रेज किया जाएगा या फिर जो भी और आपने जो भी खराब चीजें की होंगी उसके लिए भी आपको पनिश किया जाएगा ठीक है सो इट्स लाइक कि डोम्स डे के दिन जो कि क्रिश्चियनिटी में मेन बिलीव करते हैं जो क्रिश्चियनिटी uh, से बिलोंग करते हैं रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो डोम्स डे के दिन ऐसा बोलते हैं जो लोग खराब काम किए उनका विचार होगा और जो अच्छे काम किए उनके लिए उनको प्रेज किया जाएगा तो डेड फोर फादर्स जो हमारे हैं हमारे जो पूर्वज है उनका भी शायद आ, ऐसे ही चीजों पे मतलब उनका भी डोम्स डे पे शायद से इन सब चीजों से उनकी आ, अच्छाई और बुराई से ही उनको जज किया जाता है हिंस द द ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद माइटी और जो हमारी इस पोयम में जो हम ग्रैंड्योर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम माइटी डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों है जो बहुत पावरफुल पूर्वज हैं उनके बारे में ही इस पोयम में माइटी डेट्स के बारे में ही के लिए ही ग्रैंड्योर मतलब मैग्निफिकेंस यूज किया है उनकी कामों के लिए उनकी कहानियों के लिए ही यूज किया है ठीक है अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इट्स लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है जो आपको दो मार्क्स के लिए और वन मार्क्स के लिए पूछेंगे पूछ सकते हैं दैट देट वी वट आर वी डूइंग एवरी डे ठीक है सो so, इस पोयम में हम हर मॉर्निंग में क्या करते हैं तो वी आर वीविंग अ फ्लावरी ब्रेड टू बाइंड अस टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ ठीक है हम सेकंड स्टेंजा में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वट वी आर डूइंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी व्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ ठीक है ऐसी एक लाइन आप सेकंड स्टेंजा में देख सकते हैं तो सेकेंड ऐसी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि हम हर सुबह क्या करते हैं फ्लावरी व्रेत को पिरोते हैं फ्लावरी यहां पे उनको बोला गया जो हमारी पुरानी मेमोरीज है जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको क्या कर रहे हैं हम पिरो रहे हैं मतलब अपने मतलब उसको याद कर रहे हैं और उसको पिरो रहे हैं गूथ रहे हैं एक फ्लावरी बैंड में ठीक है इट्स लाइक फ्लावरी बैंड से कंपेयर किया गया है ठीक है

इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमें अनहेल्दी एंड इविल वेज से सफर करना पड़ रहा है जो क्योंकि हम मैंने बोला जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको समझाया कि क्या होता है बहुत टाइम हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट हम ही क्या करते हैं बहुत कुछ चीजें बार बार सोच सोच के सोच सोच के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ओवर थिंक करते हैं चीजों को तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ही मतलब खुद ही टेंशन में आ जाते हैं तो इसीलिए क्या बोला है कि हमारे अंदर वो नॉबल क्वालिटीज नहीं है शायद वो धैर्य नहीं है या पेशेंस नहीं है इसकी वजह से क्या हो रहा है हम सफर कर रहे हैं ठीक है डिसपॉइंटमेंट इसलिए ज्यादा फेस करनी पड़ रही है हमें third question that what removes the fall from our dark spirits kya hamare uh, dark spirits se remove kar raha hai theek hai covering kaun si covering ko remove kar raha hai some beautiful shapes or a thing of beauty removes the fall of sadness from our heart or spirit so, एक beautiful तरह की कोई shape होगी या फिर form of beauty होगी जो कि like a covering जो हमारे सैडनेस uh, की जो कवरिंग है पॉल है वो पॉल ऑफ सैडनेस को क्या कर रही है रिमूव कर रही है कहाँ से रिमूव कर रही है हमारे दिल से हमारे सोल से ठीक है वाट स्प्राउट अ शेडी बून फॉर शिप एंड हाउ ठीक है ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन कवरिंग इट प्रूव्स अ ब्लेसिंग फॉर अ सिंपल शिप एज इट सर्व एज अ शेल्टर जो शिप है उसके लिए शेडीबून की तरह क्या काम कर रहा है यार कैसे काम कर रहा है ठीक है तो ये जो ओल्ड और यंग ट्रीज है जो पुरानी या जो नई ट्रीज है वो क्या कर रही है एक स्प्राउट की तरह काम कर रही है किसके लिए काम कर रही है तुम्हारी शिप्स के लिए काम कर रही है लाइक अ ग्रीन कवरिंग ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ग्रीनरी में बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के क्या हो रहे हैं पेड़ उग रहे हैं तो ये क्या कर रही है एक बहुत जंगल को हरा भरा बना रही है इसके वजह से क्या हो रहा है जो शिप्स है उनको एक शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है ठीक है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो अच्छे से सस्टेन कर पा रही है और उसको एक टाइप का ब्लेसिंग मिल रहा है तो ये उसके लिए क्या है एक बून है एक ब्लेसिंग है फॉर्न ये ओल्ड एंड यंग ट्रीज ठीक है अब हाउ डू डेफिडल्स एंड रील्स एनरिच द इन्वायरमेंट डेफिडल्स और रील्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट को एनरिच कर रही है कैसे उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है तो डेफिडल्स क्या कर रही है खिल रही है हमारे ग्रीन सराउंडिंग्स में और रील्स क्या कर रही है स्मॉल ट्रीम्स क्या कर रही है हमारी जो कि क्लियर वाटर की वो क्या कर रही है कूलिंग कन्वर्ट या कूलिंग एक शेल्टर बना रही है अपने लिए ही हॉट सीजन से बचने के लिए और इसी तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को इनरिच कर रही है और सुंदर बना रही है ठीक है अब यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द ग्रैंड ऑफ द डोम्स हमने अभी पढ़ा एक क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो हम ग्रैंड की बात कर रहे हैं ऑफ द डोम्स में तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं द मैग्निफिकेंस ठीक है द मैग्निफिकेंस दैट वी इमेजिन फॉर अवर माइटी डेट्स फोर फादर्स ऑन द डोम्स डे हम अपने जो फोर फादर्स के जो मैग्निफिक को इमेजिन कर रहे हैं माइटी डेट्स के माइटी डेट्स फोर फादर्स के लिए जो पावरफुल हमारे जो फोर फादर्स थे जो की जिनकी डेथ हो चुकी है हम उनके बारे में इमेजिन कर रहे हैं उनके मैग्निफिकेंस उनके विचारों उनकी बातों को याद कर रहे हैं डोम्स डे के दिन कि क्या उनका जो विचार हो रहा होगा या फिर वो सब सारी कहानियां जो हमने उनके बारे में सुनी है ठीक है या पढ़ी है तो वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज वट इज द लवलीअ देन ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड ठीक है सो so, यहाँ पे बोला है कि सबसे ज्यादा लवलियर क्या है ऑल द ब्यूटीफुल्स जो तुमने पढ़ी है या सुनी है तो द ब्यूटी रीड बेसिकली जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो ज्यादा क्या है इंचिंग है ज्यादा अप्रीशियटिंग है किससे जो भी कहानियां तुमने सुनी है या पढ़ी है ठीक है तो जो डेफिडॉल्स खिल रहे हैं या फिर जो रील्स बह रही है जो मस्क रोजेस खिल रहे हैं वो सारी चीजें क्या है ज्यादा लवलियर है ज्यादा सुंदर है देन द स्टोरीज वी हैव ऑलरेडी हर्ड हमने सुनी है या पढ़ी है इज द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक ठीक है तो हमारे इमोटल जो ड्रिंक है ठीक है वो क्या किस चीज का सोर्स है एंडलेस सोर्स किस चीज का है हमारे लिए द एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर मतलब जो इमोटल ड्रिंक है वो क्या है हमारे लिए पोर्स फ्रॉम द हेवनली फ्रॉम द हेवनली ब्लिस है फ्रॉम द हेवनली ब्लिस ऑफ नेचर ठीक है तो ब्लिस मतलब क्या होता है ग्रेट जॉय या हैप्पीनेस जो ये एंडलेस फाउंटेन हमारे ऊपर जो गिर रही है वो हमें क्या कर रही है इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस इट्स लाइक अ फॉर अस ठीक है जो कि हम फील uh, कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग के किनारे पहुंच गए हैं ठीक है तो ये किस चीज का सोर्स uh, है सोर्स ऑफ no, मतलब जॉय का है हमारे लिए ये क्या है ये भी एक सोर्स ऑफ जॉय है ब्लिस्ड ऑफ नेचर है हमारे लिए एक क्या है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या ग्रेट जॉय का हमारा सोर्स है ठीक है

मतलब जॉय से खुशी से भर दे रही है बाय नेचर और ये हमें एक सोर्स ऑफ इमेंस जॉय है हमारे लिए खुशी का एक मतलब जरिया है जिससे कि हमारा दिल पूरा भर जा रहा है और हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हम सर के किनारे पहुंच गए हैं हमें हर चीज़ें अच्छी लग रही है कि नेचर से ज़्यादा सुंदर और कोई चीज़ है ही नहीं चाहे हमने कोई भी स्टोरी पढ़ी हो चाहे हमने कितनी ही स्टोरी सुनी हो बट नेचर से नेचर के कंपेरिजन में हर एक चीज़ ज़ीरो ही है सिर्फ नेचर ही बहुत सुंदर है ऐसा हमें फील हो रहा है और इन ट्रू सेंस इट इज ट्रू आल्सो, मतलब अगर हम देखें, तो ये सच भी है सो दिस मच द द डिस्कशन कि हमने इसमें प्रीवियस ईयर और बाकी सब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू